नमस्कार, आप देख रहे देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल और अशोक हॉल के बदले नाम बदलकर अब दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अब अशोक मंडप रखा गया है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार, 8 जुलाई के आतंकी हमले से है कनेक्शन। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई केस के दौरान सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में राव जेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस लीडर के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। राव जेवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को तय की है। 25वें कारगिल विजय दिवस पर कल कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे पीएम मोदी। सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। इंडिया ब्लॉक ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इससे पहले कांग्रेस ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। नीति आयोग की बैठक में विपक्ष के शामिल न होने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियां निजी हित को प्राथमिकता दे रही हैं। प्रधानमंत्री को गाली देने में लगा हुआ है विपक्ष, बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा ना करके जनादेश का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस समय प्रधानमंत्री को गाली देने में लगा हुआ है। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। कावड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक समर्थन याचिका। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि मामले को जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खुद को इस मुद्दे पर पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज से शुरू हो रही श्री मचेल माता यात्रा 43 दिन तक चलेगी यात्रा। यूएस ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की जारी। मणिपुर, जम्मू कश्मीर ना जाए, कहीं भी हमला कर सकते आतंकी। आज देश में सोने की कीमतें 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास। 24 कैरेट सोने की कीमत 70,850 रुपये प्रति 10 ग्राम। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 64,940 रुपये प्रति 10 ग्राम। भारतवंशी कनाडाई सांसद चंद्र आर्या बोले खालिस्तानियों ने देश प्रदूषित किया है। मंदिर में तोड़फोड़ कर कहा वे हिंसा के बावजूद बच निकलते हैं। कहा खालिस्तानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जर्मनी में सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद बंद की गई। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े होने का आरोप, ईरान ने दी चेतावनी। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अपना नजर डालते हरियाणा की ताजा खबरों पर। फतेहाबाद में सीएम सैनी का हुड्डा पर अटैक, बोले सीएलयू के नाम पर करोड़ों रुपए खाने वाले आज हिसाब मांग रहे हैं। हरियाणा में 15 ट्रेनों के रूट बदले गए। रखरखाव के कारण रेल यातायात प्रभावित, अधिकतर ट्रेनें रेवाड़ी होकर चलने वाली शामिल। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर धारेवेड़ा, सिद्धपुर, छापी स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए रखरखाव कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा से होकर चलने वाली 15 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। अंबाला में जबरदस्ती पंचायती जमीन की बोली रोकी। महिला सरपंच को जान से मारने की धमकी दी। बीडीपीओ ने दर्ज कराई एफआईआर। डबवाली में 25 तोले सोने चांदी जेवर चोरी। आंगन में सो रहा था परिवार, बारिश आने पर अंदर गए तो चला पता। हरियाणा के जिला सिरसा के खंड डबवाली के गांव नया राजपुरा माजरा में देर रात को 2 घरों में चोरी हो गई। चोर यहां से लाखों रुपए के सोने, गहने, चांदी और कीमती सामान चुरा कर ले गए। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की गई। पानीपत के बराना गांव में बेटे ने अपनी ही मां को लकड़ी काटने वाली इंजन मशीन से काटा। मकान बंटवारे को लेकर विवाद, महिला की हालत बेहद गंभीर। हरियाणा के भिवानी जिले के भवानी खेड़ा में पेयजल संकट पर भड़के ग्रामीण। आदर्श गांव बलियाली के जलघर को लगाया ताला। विधायक प्रशासन के खिलाफ लगाए जमकर नारेबाजी। गुरुग्राम में स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत। 1.5 की बजाय 4 फुट गहराई में उतरा लाइफ गार्ड, बाहर घूमता रहा। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार।
हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 37 डी की पॉश सोसाइटी बीपीटीपी पार्क शिरीन में एक 5 वर्षीय बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। स्विमिंग पूल में तैरने आई सोसाइटी की अन्य महिला ने जब बच्चे को पूल में पड़ा हुआ देखा तो उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। पलवल में एक्सीडेंट से 4 की मौत, परीक्षा देने जा रहा था छात्र, पीछे से कार ने मारी टक्कर। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात, जब तक ले देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।